नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं सत्यप्रकाश गौतम जी, जो बाबा साहब को नहीं, तथागत गौतम बुद्ध को और काशीराम साहब को और बहुजन समाज की बातों को ही आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनकी चीजों को भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते रहते हैं। चाहे नव वर्ष हो, चाहे कोई भी क्रांतिकारी काम हो, या कोई भी महान पुरुषों के ओकेजन्स हो, उस पर बढ़ चढ़कर बहुत अच्छे से हिस्सा भी लेते हैं और उस पर बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हमेशा यादगार होता है। इसी यादगार सीरीज पे उन्होंने नव वर्ष के लिए एक बहुत सुंदर सी डायरी बनाई है जो मेरे हाथ में है, और मैं दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह भी इन्होंने लगाया हुआ है। और ये डायरी की कॉस्ट जो है लगभग मैं देख रहा था यहाँ पे 120 रुपीज है, अराउंड 120 रुपीज की कॉस्टिंग दिखाई जा रही है और बताई जा रही है। और इन्होंने ये करीबन 5000 डायरियां छपवाई हैं, और इन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे लॉयर्स हैं, बहुजन समाज के लोग हैं और जो एडवोकेट्स हैं, उनको हम लोग ये डायरी फ्री ऑफ द कॉस्ट देंगे। सत्यप्रकाश जी, एक बात बताइए, डायरी आपने बहुत खूबसूरत बनवाई है, बहुत सारी मोटी है, बहुत सुंदर भी बनी हुई है, तो इस डायरी को मेन छपाने का क्या आपका मन में आया कि ऐसा काम करा जाए? देखिए, हम जिस न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, दिल्ली के अंदर लगभग 6 से 7 हजार प्रैक्टिसिंग शेड्यूल्ड कास्ट एडवोकेट्स हैं। मैं ओबीसी और शेड्यूल टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 हजार के आसपास हैं। उसमें से बहुत बड़ा वर्ग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानता है जी, और मूल निवासी जो हमारे महापुरुष हैं उन सबको मानता है संत और महापुरुष। जैसे कि आप इस डायरी को देखिएगा तो इसमें सावित्री बाई फुले जी भी है, राष्ट्रपिता महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले भी हैं, कबीरदास जी भी हैं, गुरु रविदास जी भी हैं, छत्रपति साहू जी महाराज भी हैं और साहब काशीराम जी भी हैं जी। इसके अलावा फ्रंट पे साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भगवान बुद्ध। इसका कॉन्सेप्ट मैंने डायरियां इस वजह से छपवाई है कि मैं अपने समाज के लोगों को ये डायरियां इस वजह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ ताकि वो जब भी खेल खोले, अपने क्लाइंट के सामने खोले, अपने चैम्बर में रखें, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिसको दिल्ली की न्याय व्यवस्था के अंदर लगभग पूर्णतः बुला दिया गया है, वह पुनः स्थापित हो। सबके हाथ में बाबा साहब होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी डायरी लो, मैं तो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट समाज के लिए, पे बैक टू दी सोसाइटी, उसके लिए हमारा जो ग्रुप है वो इसको काम कर रहा है, अदरवाइज हमें इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके हाथ में जो भी डायरी हो या जो भी फाइल हो, मैं चाहता हूँ उस पर बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशानी हो। तो इस वजह से हमने डायरियाँ छपाई हैं और हम इसमें पूरी दिल्ली तक किया। अभी आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि पूरे भारत से हमारे पास मैसेजेस आए हैं, जिसमें लगभग हम 1000 डायरियाँ भारत के हर स्टेट्स में भेजेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मूल निवासी बहुजन आइडियोलॉजी के जो एडवोकेट हैं उनके लिए यह डायरी निःशुल्क हम दे रहे हैं, ताकि हमारी जो विचारधारा है वो लोगों में फैले। आप थे सत्यप्रकाश गौतम जी, जिन्होंने कहा कि संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको लोग अपने भगवान के रूप में भी देखते हैं, जबकि बहुजन समाज के लोग भगवानों को नहीं मानते, लेकिन भगवान से बढ़कर भी उन्होंने काम नहीं करा बाबा साहब ने। और कोई भी सबसे पहला अपना कार्य शुरू करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नज़र आने चाहिए। और उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव थे सत्यप्रकाश जी के, वो ये हैं कि आप कोई भी कार्य शुरू करें तो अपने नाम को कई लोग छुपाते हैं, कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने नाम को भी नहीं बताते हैं, अपने सर नेम्स को भी आगे पीछे लगा लेते हैं, लेकिन ये डायरी उनके हाथ में रहेगी और कुछ काम करते रहेंगे तो बाबा साहब को हमेशा उनके दिल और दिमाग में रहेंगे और उनको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुल के अपने सामने आ पाएंगे। सत्यप्रकाश जी, एक डायरी तो मैं बिल्कुल लूंगा, ये वाली आपकी वकीलों की है, लेकिन मेरे को बहुत खूबसूरत लगी इसलिए गिफ्ट जरूर मैं आपसे लूंगा। और आप भी अगर ये डायरी मंगवा सकते हैं तो सत्यप्रकाश जी अपना एड्रेस दे रहे हैं, आप उनके वहां से ले सकते हैं। आप अपना देखिए, आपको अगर ये डायरी चाहिए आपके कोर्ट में, तो आप मेरा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे 9999009980 पर अपना चैम्बर नंबर, एड्रेस और मोबाइल नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर आप कड़कड़डूमा कोर्ट चैम्बर नंबर E722 से यह कलेक्ट कर सकते हैं, और यह डायरी बहुजन और मूल निवासी एडवोकेट्स कभी भी ले सकते हैं।